जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया लाइक किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की आपको दाल बनाना सिखा रही हूँ। आज हम बना रहे हैं मूंग मसूर की दाल। इसके लिए मैंने मूंग की दाल 1 कप ले लिया था और मसूर की दाल 1 कप लेके इसको मैंने धोया है 4-5 पानी के साथ, अच्छे तरीके से धोया है। तकरीबन ये 1 पाव के करीब दाल हो गई है। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, थोड़े से मैंने लहसुन लिए कटे हुए, सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, 4 से 5 अदद मैंने साबुत लाल मिर्च लिए, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और कड़ी पत्ता चंद पत्ते लिए, हरा धनिया हरी मिर्चें, हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे और हस्बे ज़रूरत ही पानी लेंगे हम। सबसे पहले दाल को हम रखते हैं, ये हमने तड़के के लिए चीज़ें ली हैं और बाकी ये चीज़ें हम दाल के अंदर डालेंगे। इसमें हम दाल डालेंगे, एक पतीली लिए मैंने, इसमें दाल डालेंगे। दाल मैंने धो ली थी, बिस्मिल्लाह। हल्दी डालेंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अदरक पाउडर, बस ये डाल के ये हमने 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है। अब इसको पकने के लिए रखते हैं। हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है, दाल जब पकने लग जाएगी फिर हम इसको चमचा चलाएंगे। अभी हम बिल्कुल भी नहीं चमचा चलाएंगे और इसको ही डालेंगे। 15 से 20 मिनट हो गए, दाल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है, ये देखिए मिक्स हो गई भी अच्छे तरीके से, जिस तरह की हमें चाहिए थी उस तरह की दाल हो गई है। मिक्स करेंगे हम, इसके अंदर मैं हरा धनिया हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और हम इसको तड़का लगाएंगे। अब मैंने लहसुन डाला है और मैं इसमें 1/2 कप के करीब मैं दाल को तड़का लगाने लगी, 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल कर दिया। लहसुन ब्राउन हो गया है, इसमें मैं अब जो मैंने साबुत लाल मिर्च रखी थी 2 से 4 अदद रखी है मैंने, 4-5, ये मैंने इसमें ब्राउन करूँगी इसको भी। इसमें जीरा डालेंगे, जीरा भी ब्राउन हो गया है, इसमें कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, कड़ी पत्ता भी हो गया है। दाल हमने एक बाउल में डाल दिए और अब इसके ऊपर मैं गरम गरम तड़का लगाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार फुल्कू पूरे किचन में और बहुत ही टेस्टी दाल बनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने गरम मसाला पाउडर रखा था 1 टीस्पून, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मज़ेदार किस्म की हमारी दाल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम।